देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। और एक बार फिर से मैं अपना खास प्रोग्राम जो कि भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां से जुड़ा है लेकर आपके सामने हाजिर हूं। और अभी तक अगर केस की अगर शुरुआत से लेकर अभी तक की बात की जाए तो कुल मिलाकर एंगल जो है वो एंगल ये है कि हसीन जहां अपने कई सवालों पर खुद खरी नहीं उतरी, कई सवालों पर उन्हें यू टर्न मारे हैं, फिर इस मामले में सियासी रंग भी चढ़ा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की, उसके बाद कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया उन्हें। उसके बाद मोहम्मद शमी ने स्टेटमेंट दिया कि वो नहीं चाहते कि उनके पर्सनल मैटर को सियासी तरीके से हैंडल किया जाए। हालांकि उन्होंने ममता दीदी से कहा, उन्होंने बकायदा कहा कि मैं दीदी से आग्रह करता हूँ कि वो खुद इस मामले की जाँच कराए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। यानी कि अभी तक पूरा स्टेटस ये रहा, मुलाकात भी हुई हाल ही में, लेकिन हसीन जहां फिर से भड़की मोहम्मद शमी पर। फिर उन्होंने बीसीसीआई से मुलाकात की, बीसीसीआई से फिर उसके बाद दिल्ली डेयरडेविल्स के सीईओ से मुलाकात की। लगातार जो है वो अब अपने ही तरीके से काम कर रही हैं, और जो उन पर आरोप लग रहे थे कि वो मोहम्मद शमी पर जो आरोप लगा रही हैं वो बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि मोहम्मद शमी का समर्थन बहुत मजबूत है, पक्ष बहुत मजबूत है कंपैरिजन हसीन जहां के। खुद उनके पिता उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हालांकि उनके खिलाफ भी कोई बात नहीं की है, लेकिन उन्होंने मोहम्मद शमी को बेहतरीन इंसान बताया है। तो ऐसे में आप खुद सोचिए, और यहां पर उनके पहले पति एस के सैफुद्दीन, उन्होंने भी कहा है कि मैं हसीन जहां से कोई बात करना नहीं चाहता और ना ही मुझे उसकी कोई मदद करनी है। तो ऐसे में आप सोचिए जिस तरीके से, और खुद यहां पर जो कई क्रिकेटर से मोहम्मद शमी का समर्थन कर रहे हैं, उनका बकायदा कहना है कि शमी ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो देश और पत्नी के लिए बहुत ईमानदार है। तो ऐसे में मोहम्मद शमी का जो समर्थन है, जो पक्ष बहुत मजबूत है हसीन जहां की तुलना में, लेकिन लगता है कि हसीन जहां शायद अभी भी अपनी बातों से संतुष्ट नहीं है, उन्हें पता नहीं क्या करना है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। लगातार वो कहती हैं, मांग उठाती हैं कि मोहम्मद शमी उनसे माफ़ी मांगे, उनसे उनकी शर्त है माफ़ी मांगे और अपना कमिटमेंट करें कि आज के बाद वो उन्हें धोखा नहीं देंगे, वो जो कहेंगी वही करेंगे, उसके बाद वो सारे केस वापस ले लेंगे और फिर से एक रिश्ते की शुरुआत कर देंगी। जैसे लगता है कि उनके लिए बहुत आसान है, पहले किसी को गाली दे दो, किसी पहले गाल पे चाटे मार दो और फिर उसको दवा लगा दो, ये काम है हसीन जहां का। उनको लगता है वो तो अपनी बात रख रही हैं, वो अपना पक्ष रख रही हैं। क्या उन्होंने कभी शमी का पक्ष जाना? क्या वाकई शमी इन सब कामों को करने के लिए इंटरेस्टेड हैं? क्या वाकई वो पैचअप चाहते हैं? क्या कोई पति ये अपनी पत्नी से एक्सपेक्ट करता है कि उसकी पत्नी, बहुत से झगड़े होते हैं, पति भी कोई साफ नहीं होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे पति गलत होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पति सारे सही भी होते हैं, सबका अपना अपना मसला होता है। लेकिन यहाँ पर कोई पत्नी अगर अपने पति को सरेआम ऐसे ऐसे शब्दों से नवाज देंगी तो ऐसे में क्या होगा? जो रिश्ता बनना भी होगा वहाँ पर खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। और खुद मोहम्मद शमी ने भी बात कह दी है कि अब मैं रिश्ते सुधारने की कोई कोशिश नहीं करूंगा और मैं कोई गृहस्थी अब बचाने की भी कोई कोशिश नहीं करूंगा, अब सीधे सीधे कानूनी तौर पर यहां पर एक्शन होगा और कानूनी तौर पर लड़ाई होगी। हालांकि मोहम्मद शमी ने अपने समर्थकों का और मीडिया को काफ़ी धन्यवाद दिया है कि उनके समर्थन में काफ़ी लोग हैं और उन्हें पता है कि हमेशा सच ही जीतता है। अब सच कौन बोल रहा है ये तो नहीं पता, क्योंकि हसीन जहां भी पूरी तरह से गलत हैं ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन शमी भी पूरी तरह से साफ हैं, सही हैं ये भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन पूरा ओवरऑल अगर केस को एनालाइज किया जाए तो कहीं ना कहीं हसीन जहां सबसे ज़्यादा झूठी साबित हो रही हैं, लेकिन इसी बीच एक ज्योतिष हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं, हसीन जहां बिल्कुल सही हैं, उनके लगाए गए आरोप बिल्कुल सही हैं और जो जो वो कह रही हैं वो भी बिल्कुल सही है। ये कह रहा है एक ज्योतिष का, खबर सामने आई है, मैं आपको खबर दिखाती हूँ। और इन्होंने साफ साफ कहा है कि हसीन जहां बिल्कुल सही हैं और मोहम्मद शमी पे जो आरोप लगा रही हैं वो इल्ज़ाम भी बिल्कुल सही हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, पहले हेडलाइन पर देखिए। अब मोहम्मद शमी को लेकर ज्योतिषों की भविष्यवाणी, कहा झूठ नहीं बोल रही हैं हसीन जहां। इसके आगे और भी लिखा है, अब और में बहुत सारा सस्पेंस भी हो सकता है, चलिए हम भी देखते हैं कि आखिर ये सस्पेंस है क्या। ये देख आप देखिए, ये ज्योतिष महाकुंभ में पहुंचे ज्योतिषाचार्य पंडित सतीश शर्मा ने शमी के उनके पत्नी के साथ विवाद को लेकर बहुत कुछ विवाद बताया है। उन्होंने कहा है प्रश्न कुंडली के अनुसार उनके लग्न में मिथुन लग्न है और शनि और मंगल सप्तम भाव में हैं, ये उनके वैवाहिक जीवन के लिए घातक है। उन्होंने दावा किया कि उनके लग्नों के अनुसार देखना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा समय तक अपनी मैरिड लाइफ नहीं बचा सकेंगे, हालांकि उन्हें इसके लिए कोशिश जरूर करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रश्न कुंडली के अनुसार शमी के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं उनमें सत्यता का अंश है। मतलब हसीन जहां जो कह रही हैं उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो है, कौन गलत कौन कह रहा है, लेकिन वो जिस तरीके से आरोप लगा रही हैं उसमें वो खुद ही पलट रही हैं, कई बड़े यू टर्न उन्होंने लिए हैं जो कहीं ना कहीं साबित कर रहा है कि वो अपनी ही बातों से जिस तरह से पलट रही हैं, यानी कि शमी यहाँ पर बिल्कुल सही हैं और वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो रही हैं। चलिए
शमी की पत्नी के आरोप पूरी तरह से गलत नहीं है, इसका खुलासा भी जल्द होगा। ये देखिए आप खबर में लिखा हुआ है, शमी की पत्नी के आरोप पूरी तरह से गलत नहीं है, इसका खुलासा भी जल्द ही होगा। ये कहा है पंडित जी ने। और टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जो हैं वो बकायदा जो पुरानी जो स्टोरीज है वो स्टोरीज यहाँ पर आपको दिखा, ये देखिए यहाँ पर ये है, ये देखिए ज्योतिषों का कहना है कि जल्द ही उनकी जिंदगी में फिर भूचाल आने वाला है, हालांकि शमी इन सभी आरोपों से इनकार करते रहे हैं। और ऐसे में अगर भूचाल आने वाला है तो जिस तरीके से यहाँ पर हसीन जहां ने मुलाकात की है दिल्ली डेयरडेविल्स के सीईओ से, हालांकि यहाँ पर अगर समझदारी का अगर देखा जाए तो लगता है नहीं है कि यहाँ पर बीसीसीआई और जो डीडी है उसको मोहम्मद शमी की पर्सनल लाइफ से कोई मतलब होना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनली वो बहुत अच्छे इंसान हैं और प्रोफेशनली अगर उनके करियर को देखा जाए तो बहुत से लोग उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं और ऐसे में उनको क्लीन चिट भी मिली है, तो ऐसे में उनके खिलाफ एक्शन लेने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। लेकिन जो ज्योतिष हैं उन्होंने, उन ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने जिस तरीके से बात कही है वो बात बयां कर रही है कि वो अपनी जगह कहीं ना कहीं जो उनकी कुंडली को लेकर उन्होंने जो यहाँ पर आधार बनाया है ज्योतिषाचार्य जो पंडित सतीश शर्मा इनका नाम बताया जा रहा है, इन्होंने कहा है कि बहुत जल्द मोहम्मद शमी की जिंदगी में फिर से भूचाल आएगा और ये भी कहा है कि मैरिड लाइफ बचा नहीं सकेंगे दोनों अपनी, ये भी कहा है उन्होंने। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि जो हसीन जहां बोल रही हैं उसमें सच्चाई है, उसमें सच्चाई है, कुछ गलत नहीं है, उसमें सत्यता के अंश हैं। यानी कि अगर 10 झूठ बोल रही हैं तो उसमें से कम अगर 10 उनकी नज़र में वो 10 सच हैं तो उसमें कम से कम 5 से 6 तो सच हैं ही, ये कहना है पंडित जी का। अब देखना है, अब उन्होंने बकायदा ज्योतिष के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे गणित लगाई है, लेकिन अब कुल मिलाकर जैसे उन्होंने कहा है कि फिर से भूचाल आने वाला है मोहम्मद शमी की ज़िंदगी में और उनकी मैरिड लाइफ को प्रिडिक्ट किया है उन्होंने कि वो अपनी मैरिड लाइफ को बचा नहीं सकेंगे, हालांकि कोशिश दोनों को करनी चाहिए। अब दोनों को कोशिश करनी तो चाहिए, कोशिश हो भी तो रही है लेकिन मुकम्मल नहीं हो रही है। आप सीधे कोर्ट में मुलाकात होगी, कानूनी तौर पर कार्रवाई हो रही है, कानूनी तौर पर सब सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ऐसे में जिस तरह से हसीन जहाँ मोहम्मद शमी के क्रिकेट करियर के पीछे पड़ गई हैं, उनको अब ऐसा लगता है कि शायद वो अब कुछ, वाकई मुझे इनकी बात में कुछ सुदम लग रहा है कि उनका कहने का मतलब है कि मोहम्मद शमी की ज़िंदगी में बहुत जल्दी बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। अब देखते हैं कौन सा भूचाल है, लेकिन यहाँ पर हसीन जहाँ की जो बात कहूँ मैं वो पर्सनल मैटर को प्रोफेशनल मैटर पर लेकर जा रही हैं। उनकी शिकायत अपने पति से है, वो भी एक दहेज प्रताड़ना को लेकर, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, रेप को लेकर, बहुत सी उनकी अपनी हो सकती हैं कुछ पर्सनल चीज़ें, ये जो उन्होंने केस भी दर्ज कराए हैं उनके खिलाफ, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट को लेकर वो सीधे उतार आई हैं, क्रिकेट को लेकर वो सीधे आधार बना रही हैं कि मोहम्मद शमी को खेलने मत दो, मोहम्मद शमी अभी जब तक हमारा मैटर नहीं निपटता है तब तक उनको खेलने का कोई हक नहीं है। लेकिन बीसीसीआई ने साफ साफ कह दिया है, दो टुक जवाब दिया है उन्हें कि हमें आपकी पर्सनल मैटर से कोई मतलब नहीं है, प्रोफेशनली शमी के खिलाफ हम कोई एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि वो मैच फिक्सिंग के आरोपों में बिल्कुल सही गलत पाया गया है, मतलब कि मैच फिक्सिंग उन्होंने नहीं की है, उनको हम पहले से ही क्लीन चिट दे चुके हैं, तो आपकी बातों को हम नहीं मान सकते हैं। तो ऐसे में आप सोचिए, हालांकि कोलकाता पुलिस अभी भी जांच कर रही है, यूपी में जो उनका घर है मोहम्मद शमी का अमरोहा वहां पर जांच की है, उनके भाई के खिलाफ भी आरोपों में कई चीज़ों की पुष्टि हुई है, उनका दंगे में भी नाम सामने आ चुका है, उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। तो ऐसे में सोचिए मोहम्मद शमी की मुश्किलें तो लगता है वाकई अब कम होने वाली नहीं है, क्योंकि देखिए ना जैसे ही उन्हें क्लीन चिट मिली मोहम्मद शमी को, उसी के बाद वो हादसे का शिकार भी हो गए, उनकी कार ट्रक से टकरा गई और ट्रक ऐसे में वो हादसे का शिकार हो गए, उनकी जान बाल बाल जाते हुए बची। तो वाकई कुछ तो है कि उनकी ज़िंदगी में वाकई एक के बाद एक भूचाल आ रहे हैं, हालांकि तो हर किसी की ज़िंदगी का एक वो होता है कि जैसे ही सुख का अंत होता है वैसे दुख आता है, वैसे दुख का अंत होता है वैसे सुख आता है, एक मुश्किल जाती नहीं और दूसरी मुश्किल आ जाती है, ऐसा भी हमने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है। तो मोहम्मद शमी के साथ भी अब कुछ ऐसा ही हो रहा है कि एक मुश्किल खत्म नहीं हो रही है उनकी, दूसरी मुश्किल शुरू हो जा रही है। क्लीन चिट मिली तो हादसे का शिकार हो गए, आईपीएल में शुरुआती मैच नहीं खेल पाएंगे, कब तक खेल पाएंगे अब इसकी कोई ताज़ा रिपोर्ट सामने नहीं आई है, हो सकता है कि वो पहला मैच भी खेलें, हो सकता है कि ना भी खेलें, हो सकता है वो बीच से ज्वाइन करें, बहुत सी चीज़ें हैं, डॉक्टर क्या एडवाइस कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल इस बारे में कोई अपडेट सामने नहीं आई है। लेकिन कुल मिलाकर तो ये है कि अभी फ़िलहाल मोहम्मद शमी की जो ज़िंदगी है वो उसमें अभी काफ़ी उतार चढ़ाव हैं और उतार चढ़ाव ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं, अगर कोशिश भी करते हैं तो शायद ये कोशिश बहुत दिनों तक मुकम्मल नहीं हो पाएगी और ऐसे में हो सकता है कि दोनों की जो ज़िंदगी है अलग अलग हो जाए।
लेकिन इसमें से उन्होंने जो कहा है मैरिड लाइफ को बचा नहीं पाएंगे, तो ऐसे मैरिड लाइफ को बचा नहीं पाएंगे तो इसमें इनको बताना चाहिए था कि आखिर किस तरीके से नहीं बचा पाएंगे, क्या उन्हें अलग, क्या वो अलग हो जाएंगे। हालांकि तोहसीन जहां ने वो तो कह रही है कि मैं तलाक दूंगी ही नहीं, तो फिर किस तरह से नहीं बचा पाएंगे, क्या यहाँ पर बेटी को लेकर भी अब दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू होगा, क्योंकि अब बेटी भी किसके पास रहेगी। अभी तक फिलहाल ये पॉइंट आया नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पर पैसा, प्रॉपर्टी, क्रिकेट करियर, अलिजबा, मोहम्मद भाई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, रेप, ऐसी चीज़ें आ रही हैं। अभी यहाँ बेटी का कोई मसला नहीं है, लेकिन हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना है कि यहाँ पर अब बेटी का भी मसला फंस सकता है। फिलहाल अब देखते हैं, जैसा कि ज्योतिष आचार्य ने बताया है कि हसीन जहां की इल्ज़ाम में कुछ तो सत्यता है, और आने वाले दिनों में मोहम्मद शमी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। देखते हैं कि आखिर इस खबर में कितनी सच्चाई है, और साथ ही जो भविष्यवाणी की गई है उसमें कितनी सच्चाई है। तो दर्शकों, आप बने रहिए SPN 9 News के साथ, कल होगी आपसे फिर से मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।